हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी न्यू वीडियो के लिए इतना लंबा वेट कराने के लिए। एक्चुअली आई वाज नॉट वेल, वही वायरल कफ कोल्ड इन्फेक्शन। रिकवर तो काफ़ी पहले हो गई थी बट काफ़ी वीकनेस हो गई थी वायरल के बाद और वीडियो के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा था, बट फाइनली आई एम बैक। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी हमारी हाउस हंटिंग स्टोरी। यस, लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था एंड यू गाइज आर इंटरेस्टेड ऑल्सो, अगर आप न्यू हैं तो बता दूँ कि अभी अभी हम बैंगलोर से अटलांटा शिफ्ट हुए हैं यूएसए। अभी तक हम होटल में ही हैं एज यू कैन सी, और हमारी घर की खोज जो है वो चल रही है। एक्चुअली हमने घर फाइनलाइज कर लिया है, इस मंथ 19th को शिफ्ट होने वाले हैं। तो वही सारी डिटेल यहाँ पे घर रेंट पे लीज पे लेने के क्या प्रोसेस हैं, क्या प्रोसेस रहा और यहाँ के घर किस तरह के हैं, किस तरह के घर देखे हमने, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी। यहाँ पे घर रेंट पे लेने का जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है कि जो वेबसाइट है, जैसे इंडिया में 99 एकर है, मैजिक डिक है, वैसे यहाँ पर apartment.com है, zillow.com है, उस पे जाकर आपको घर शॉर्टलिस्ट करना है। वहाँ पे सारे डिटेल दिए रहते हैं, वर्चुअल टूर रहता है, घर कौन से घर कब से किस स्टेट से अवेलेबल है, सारे डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको कॉल करके लीजिंग ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना है। यहाँ पे हर कम्युनिटी की अपनी एक लीजिंग ऑफिस होती है जिसे आपको विजिट करना होता है घर रेंट पे लेने के लिए, लीज पे लेने के लिए। अपॉइंटमेंट आप सिर्फ वर्किंग डेज में और वर्किंग आवर्स के ही ले सकते हैं, वीकेंड में क्लोज रहता है ज्यादातर लीजिंग ऑफिस, और जो वर्किंग आवर है लाइक 10 to 6 इस टाइम का ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेंगे। अपॉइंटमेंट के टाइम के अकॉर्डिंग आपको लीजिंग ऑफिस पहुंचना है, वहां पे अपनी आईडी दिखानी है और उसके बाद वो आपको कम्युनिटी का और जो मॉडल फ्लैट वगैरह है उसका टूर देंगे। तो फर्स्ट डे हमने कुछ घर शॉर्ट लिस्ट किया था। हम जो घर ले रहे हैं वो एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड डनउडी। अभी जो हमारा होटल है ये बकेट में है और यहाँ से डनउडी जो है वो 8 to 9 माइल्स है, अराउंड आई थिंक 13 to 15 किलोमीटर। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप नए हैं तो कार तो यहाँ पे मस्ट है, कार नहीं है तो आप बिल्कुल अपाहिज हो क्योंकि जो कैब वगैरह है उबर वो काफी कॉस्टली है, यू कांट अफोर्ड एवरी टाइम। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे तो सिर्फ ट्रेन है, वो भी आप ट्रेन से हर जगह पे तो नहीं जा सकते, राइट। सो कार होनी चाहिए तो, और इनिशियल डेज में कार आप एकदम से आकर नहीं ले सकते, उसका भी कुछ प्रोसेस है। तो अगर आपका कोई अपना यहाँ पर नहीं रहता है तो आपको स्ट्रगल करना ही करना है। डनउडी में हम घर देख रहे हैं उसके दो रीजन है। फर्स्ट कि हमारे पास कार नहीं है, तो जो शंकर के हस्बैंड के ऑफिस कॉलिग्स हैं वो सारे उधर ही रहते हैं, आसपास ही अलग अलग सोसाइटी में। और सेकंड रीजन की जितने भी शॉप्स हैं लाइक ग्रॉसरी, इंडियन ग्रॉसरी शॉप्स एंड वॉलमार्ट, पब्लिक, टारगेट, कॉस्को, यहाँ के जितने भी शॉप्स हैं वो सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, जो हमारे लिए अभी फर्स्ट प्रेफरेंस है। यहाँ पे घर रेंट पे लेने की प्रोसेस काफ़ी लेंदी है, इंडिया जैसा ईजी नहीं है एक्चुअली। तो एक बार आपने घर फाइनलाइज कर लिया, आपको घर पसंद आ गया, उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। सो वी आर आउट फॉर हाउस टूर, तो आज हम कैब से जा रहे हैं और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी थोड़ा अटलांटा दर्शन करवाती हूँ। तो एज यू कैन सी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सिस्टमैटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, पूरा सिटी ऐसा लगता है जैसे आप किसी पार्क में घूम रहे हो। एंड आई थिंक हम डनउडी एरिया पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो हम फर्स्ट कम्युनिटी विजिट करने वाले हैं दैट इज नॉटिंग हिल। आप यहाँ पर NH का साइन देख सकते हैं। तो कैब जो है वो हमें डायरेक्ट लीजिंग ऑफिस पर ड्रॉप करेगी। एंड फाइनली हम आ गए हैं नॉटिंग हिल का लीजिंग ऑफिस। तो
तो यहाँ से हम जाएंगे अपार्टमेंट का टूर के लिए। तो एक्चुअली यहाँ हम सेकेंड टाइम आ रहे हैं, लास्ट वीक भी हम यहाँ आए थे। उस टाइम पे हमें वहाँ के स्टाफ ने खुद टूर दिया था मॉडल अपार्टमेंट एंड ऑल का। तो उस दिन, आज हम एक्चुअल फ्लैट देखने वाले हैं। उस दिन हमने मॉडल अपार्टमेंट का टूर किया था एंड दिस इज़ द कम्युनिटी। तो उस दिन का जो मॉडल अपार्टमेंट है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो दिस इज़ द 2 BHK मॉडल अपार्टमेंट एट नॉटिंग हिल। तो जो स्टार्ट है एंट्रेंस पे, ये एक पॉच एरिया है और उसके बाद उसके अपोजिट साइड में वॉशरूम है। और आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे ये किचन है एंड सामने ये लिविंग स्पेस है। एंड दिस इज द 1 बेडरूम। दिस इज अ 2 BHK राइट? अगेन ये किचन एंड टू बी इस आर साइड पे सेकंड बेडरूम। ये जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ के मॉडल अपार्टमेंट कैसे होते हैं। हमें 2 आर लेना नहीं है और वैसे भी मॉडल अपार्टमेंट देख के तो एक्चुअल फ्लैट का आइडिया नहीं लगता, राइट? ये अगेन इस साइड पे जो स्टार्टिंग में मैंने बेडरूम दिखाया था और इधर वॉशरूम और ये सामने बालकनी। ये बोझ भी नहीं रहेगा मैं स्नो बेल्ट। ओके सो उसके बाद एक्चुअल फ्लैट हम आज देखने जा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फ्लैट। ये ग्राउंड फ्लोर पे है और ये 1 BR अपार्टमेंट है। तो यहाँ के सभी फ्लैट में एंट्रेंस पे एक इस तरह का क्लोजेट मिलेगा आपको, छोटा सा, जहाँ आप अपने कोट्स एंड शूज वगैरह रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे वॉशरूम है और लेफ्ट हैंड साइड पे किचन है। सो दिस इज़ द किचन विथ ब्लैक कैबिनेट्स एंड ब्लैक काउंटर और ये डबल डोर फ्रिज। यहाँ के मोस्टली किचन आपको सेट मिलेंगे, मींस हॉब, फ्रिज, ओवन, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें किचन में ऑलरेडी इंस्टॉल रहती हैं। और ये एक और काउंटर है आइलैंड टाइप का और सामने ये लिविंग स्पेस और ये जो डोर दिख रहा है ये बालकनी का डोर है। ये अपार्टमेंट हमें ठीक ठाक लगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे थी वो वीडियो में नहीं पता चल रहा है, वो थी सनलाइट। सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी एक्चुअली। और सेकंड प्रॉब्लम थी कि ये ग्राउंड फ्लोर पे था तो जो काफ़ी मीन्स ग्राउंड के लेबल में था इसका बालकनी, तो जिससे कॉकरोच वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और बालकनी के बाहर का गार्डन भी मेंटेन नहीं था एक्चुअली। और दिस इज़ द बेडरूम। बेडरूम में कारपेट लगा हुआ है और ये एक छोटा सा विंडो है बेडरूम में एंड कॉर्नर पे एक स्टडी एरिया भी बना रखा है। एंड दिस इज़ द डोर फॉर क्लॉजेट। यहाँ के सभी घरों में आपको इस तरह का एक वॉक इन क्लॉजेट मिलेगा, चाहे वो 1 BR हो या 2 BR। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जो एंट्रेंस पे राइट हैंड साइड पे वॉशरूम दिखाया था, दिस इज द वॉशरूम। यहाँ के वॉशरूम एक्चुअली काफ़ी बड़े थे 1 बेडरूम के अकॉर्डिंग। डबल सिंक है एज यू कैन सी और ये बड़ी सी मिरर लगी हुई है सामने इस साइड कमोड एंड दूसरे साइड पे बाथटब। यहाँ के सभी बाथरूम में आपको बाथटब ही मिलेंगे और यहाँ पे भी एक छोटा सा क्लॉजेट दे रखा है एंड क्लॉजेट के जो पास वाला डोर है दैट इज़ फॉर वॉशर एंड ड्रायर। यहाँ के सभी घरों में वॉशर ड्रायर प्री इंस्टॉल रहते हैं। बस यहाँ से बाहर निकल के सामने किचन है तो बाथरूम का आप देख सकते हो एक्सेस लिविंग स्पेस से भी है और बेडरूम से भी है। और ये सामने किचन एंड दिस इज द एक्चुअली किचन में ये मैंने एक क्लॉजेट मिस कर दिया था। किचन में ये एक पैंट्री यूनिट दे रखा है। यहाँ पे भर भर के स्टोरेज हैं, स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है इस अपार्टमेंट में। ओनली प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो इसी का हम अब एक 5th फ्लोर पे विजिट करेंगे। वहाँ पे सनलाइट बेटर होगी आई थिंक इसी अपार्टमेंट के ऊपर वो 5th फ्लोर का अपार्टमेंट है। तो बस वहीं जा रहे हैं हम।
यस हियर इट इज। ओके तो चलते हैं अंदर। तो ये अपार्टमेंट तो बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने नीचे देखा, लेआउट कम्प्लीटली सेम है। एंट्रेंस पे ये क्लोजेट और फिर सामने ये जैसा हमने नीचे देखा एग्जैक्टली सेम है। लेफ्ट हैंड साइड पे किचन विथ आइलैंड काउंटर और सामने ये लिविंग स्पेस, और सनलाइट भी यहाँ काफ़ी अच्छी है। बट वन मेजर डिफरेंस कि यहाँ बालकनी नहीं है एक्चुअली, ये जस्ट बालकनी काइंड ऑफ डोर दे रखा है। तो डोर ओपन करेंगे तो आपको बालकनी वाली फीलिंग आएगी, बट देर इज़ नो बालकनी एक्चुअली। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हेयर। और बाकी सारी चीज़ें सेम है, अपार्टमेंट सेम है, स्क्वायर फीट सेम है और लेआउट सेम है। और एज यू कैन सी ये बेडरूम बिल्कुल सेम टू सेम, दिस इज द क्लोजेट। तो फिफ्थ फ्लोर पे हमें बालकनी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी एक्चुअली। यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट ऐसे रहते हैं, आपको बालकनी जैसा डोर रहेगा, फीलिंग आएगी आप डोर ओपन करोगे तो, बट बालकनी नहीं रहते एक्चुअली जो छोटे अपार्टमेंट हैं मेनली उसमें। तो ये वॉशरूम जैसा कि हमने नीचे दिखाया बिल्कुल वैसा ही है। और ये था नॉटिंग हिल का अपार्टमेंट। तो यहाँ से हमारा एक और अपॉइंटमेंट हमने ले रखा है जो पास में ही है, तो यहाँ के बाद हम वहाँ जाएंगे। यहाँ जो 1BR अपार्टमेंट है उसका मंथली रेंट की बात करूँ तो $1600 प्लस है, 1600 से नीचे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अभी का जो रेंट का सिचुएशन है वो काफ़ी पीक पे है यहाँ पे। तो यहाँ के बाद जो हम सेकेंड अपार्टमेंट जा रहे हैं वो 15-20 मिनट के वॉक पे है और दोपहर का टाइम हो रहा है तो सनलाइट इतनी हार्ड है मैं आपको बता नहीं सकती। टेम्परेचर तो आई थिंक 32-34 डिग्री है बट यहाँ पे सन काफ़ी हार्ड होती है, मीन्स ऐसा लगता है सन बिल्कुल सर के ऊपर है, वो चुभता है बॉडी को। तो यहाँ पर हमें रोड क्रॉस करना है और रोड क्रॉस करने के लिए भी एज यू कैन सी प्रोसेस है, सिस्टम है, आप ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते, आपको बटन प्रेस करना होता है और सिग्नल आने के बाद ही आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर अटलांटा भी दिखा दे रही हूँ चलते चलते। सनलाइट इतनी हार्ड थी कि बस हमें लग रहा था कि किसी तरह जल्दी से पहुंच जाए। 15-20 मिनट का वॉक बहुत ज़्यादा नहीं है बट धूप होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा टायरिंग था। और फाइनली हम पहुंच गए हैं वो सामने जो वाइट बोर्ड दिख रहा है छोटा सा, दैट इज द सेकेंड कम्युनिटी। तो पास से आपको दिखा देती हूँ, दिस इज अ कार्लाई। बस यहाँ से अंदर जाएंगे और सामने जो वो छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है दैट इज द लीजिंग ऑफिस। और ये यहाँ की कम्युनिटी बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। ओके सो फाइनली हम पहुंच गए हैं लीजिंग ऑफिस। हाय और अब अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मॉडल फ्लैट ही देखा है बट ये 1BR का ही मॉडल फ्लैट है, एग्जैक्टली जो लेआउट हमें मिलने वाला है उसी का बिल्कुल मॉडल फ्लैट है ये। सो दिस इज द अपार्टमेंट। यहाँ सभी अपार्टमेंट में किचन आपको मोस्टली एंट्रेंस पे ही मिलेगा, दिस इज द वॉशर एंड ड्रायर एरिया, लिविंग स्पेस। यहाँ का जो सनलाइट है वेंटिलेशन वो मुझे काफी बेटर लगा नॉटिंग हिल के कंपैरिजन में। दिस इज द बेडरूम, वॉशरूम वहां के कंपेयर में छोटा है बट नॉट बैड। और ये क्लोजेट वहां से कंपेयर करूं तो साइज में बड़ा है।
दिस इज द अपार्टमेंट हियर आल्सो एक्सेस फॉर बाथरूम. सो फाइनली जो हम बात करें अपार्टमेंट हमने कौन सा फाइनल किया, तो वो इलाज भी नहीं हुआ, एक और दिन मुझे आना पड़ा तब जाके हमने अपार्टमेंट फाइनल किया और वो हमने इसी सोसाइटी में किया. वापस हमने मेट्रो से आने का डिसाइड किया, तो मैं यहाँ का मेट्रो का भी टूर आप लोगों को करा देती हूँ. तो दिस इज़ द ब्रिज कार्ड, यहाँ के लिए ब्रिज कार्ड बनाना होता है और उसे रिचार्ज करके आप यूज़ कर सकते हैं. तो वहाँ से जो नियरेस्ट स्टेशन है दैट इज़ सैंडी स्प्रिंग. और बस हम पहुंच गए हैं लिनॉक्स स्टेशन जो हमारे होटल से नियरेस्ट है और ले रहे हैं एग्जिट. सैंडी स्प्रिंग से लिनॉक्स आने के लिए बीच में एक लाइन चेंज करनी पड़ती है. तो यहाँ से जो हमारा होटल है वो अगेन 15 मिनट के वॉक पे है, बट अभी रात के 8 बज रहे हैं. वैसे तो यहाँ पे 8:39 o'clock तक सन रहती है, बट आज वेदर थोड़ा क्लाउडी हो रखा है, बारिश हो गई थी, तो अभी वेदर काफ़ी अच्छा है तो वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बस हम पहुंच गए अपने होटल. ओके, सो घर हमने फाइनलाइज कर लिया है. यहाँ पे अपार्टमेंट जब तक उनका रेडी ना हो जाए पूरी तरह से, लाइक खाली होने के बाद उसकी क्लीनिंग या फिर अगर रेनोवेट करा रहे हैं तो कंप्लीट रेनोवेशन कंप्लीट होने से पहले वो आपको नहीं दिखाएंगे. जब तक अवेलेबल नहीं हो जाता है तब तक आपको वो नहीं दिखाएंगे. अगर सिमिलर कुछ अपार्टमेंट अवेलेबल है तो अगर आप बोलोगे या फिर जो उनका मॉडल फ्लैट है वही आपको दिखाते हैं. तो हमने भी जो अपार्टमेंट बुक किया है वो अब तक नहीं देखा है और बाहर से देख लिया है एक्चुअली, और लेआउट तो सबका सेम ही होता है तो हमें आइडिया है कि वो कैसा रहेगा. और बाहर से हमने देख लिया है, बालकनी वगैरह देख ली है, सनलाइट काफी अच्छी है. एक बार आपको घर पसंद आ गया उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना होता है. फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको उनके साइड से वेरिफिकेशन होता है. आपका बैकग्राउंड, आप पहले कहाँ रहते थे, आपकी हिस्ट्री, इनकम, एवरीथिंग दे विल वेरीफाई. यहाँ पे एडवांस देने का सिस्टम नहीं है. हाँ, अगर आप न्यू हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको 1 month का रेंट एडवांस देना होता है, वो भी नेक्स्ट मंथ आपका रिफंड हो जाता है. और एप्लीकेशन फ़ी देना होता है पर पर्सन, और उसके अलावा एडमिशन फ़ी देना होता है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं और रेंट के अलावा भी एक्सपेंसेस हैं लाइक वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सीवेज बिल एंड पेस्ट कंट्रोल बिल एंड ऐसे काफ़ी सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं. तो बस मैं 19th का वेट कर रही हूँ, जल्दी से 19th आ जाए और वो हमको कीज़ हैंडओवर कर दें और हम घर में चले जाएं. होटल में रह रहे के काफ़ी बोर हो चुके हैं, 1 month से भी ऊपर हो गया है. एक्चुअली होटल भी काफ़ी बड़ा है, 1 BHK काइंड ऑफ है, छोटा सा किचन है जहाँ हम अपना खाना भी बनाते हैं. जस्ट ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाते हैं, और फिर भी होटल तो होटल ही होता है, राइट, घर घर होता है. सो ये था आज का वीडियो. और गाइज, मुझे यहाँ पे अभी नए वीडियोस के लिए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर करूँ. DIY तो हम करेंगे ही, एक बार घर में चले जाएँ और एक बार सेटअप हो जाए, कुछ सप्लाइज़ में ले लूँ DIY के लिए, उसके बाद DIY डेफिनेटली करेंगे. बट अभी के लिए आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ आइडिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तो बस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो. डू लेट मी नो इन कमेंट्स. मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.